फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल प्रतिभा थ्रेडर। फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए बहुत ही प्यारा सा बॉर्डर डिजाइन लेकर आई हूँ। इसे आप लेडीज स्वेटर, लेडीज कार्डिगन, गर्ल्स टॉप, श्रग, शॉल में आप इसे अप्लाई कर सकते हैं, बना सकते हैं बॉर्डर के तौर पे। तो इसके लिए सबसे पहले हमने देखिए फंदे डालने होंगे। फंदे हमने दो सलाइयों पर डालने हैं, इस तरह से दो सलाइयों को लेना है और फिर हमने कॉस्ट ऑन करना है और सिंगल फंदे हमने डालने हैं। ध्यान दीजिएगा, ऐसे करके लेना है और देखिए बिल्कुल इस तरह से। और हम दो सलाइयों पर फंदे डालेंगे। फ्रेंड्स, इस बॉर्डर डिजाइन को बनाने के लिए हमने 10 के मल्टीपल में प्लस 3 फंदे एक्स्ट्रा लेने होते हैं और ये बॉर्डर डिजाइन हमारी 10 सलाइयों में 10 रॉज में बनकर कंप्लीट हो जाती है। तो देखिए इस तरह से सबसे पहले यहाँ पर हमें फंदे डालने हैं। हम कॉस्ट ऑन कर लेते हैं। यहाँ पर मैं 33 फंदे डालूंगी। ये देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर हमने 33 फंदे डाले हैं, 10 के मल्टीपल में 30 प्लस 3 फंदे एक्स्ट्रा। तो देखिए हमारी दो सलाइयाँ हैं, तो अब मैं यहाँ पर एक सलाई को देखिए निकाल लूँगी। इस तरह से आपने एक सलाई पकड़ कर खींच लेनी है, ये देखिए। अब हमारे पास सिर्फ एक सलाई बची है और अब हम बनाएंगे फर्स्ट रॉ राइट साइड से। तो यहाँ पर हमने सारे फंदों को उल्टा बुनते हुए अपनी इस फर्स्ट रॉ को कंप्लीट करना है। देखिए धागा पीछे करेंगे, लास्ट का स्टिच राइट साइड से सीधा बनाएंगे। देखिए हमारी फर्स्ट रॉ कंप्लीट हुई। अब हम बनाएंगे सेकेंड रॉ रॉन्ग साइड से। पहला फंदा स्लिप करेंगे और बाकी के सारे फंदों को उल्टा बुनते हुए हम इस सेकेंड रॉ को कंप्लीट करेंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, अब हम बनाएंगे थर्ड रॉ राइट साइड से। पहला फंदा स्लिप करेंगे, अब एक फंदा सीधा बनाएंगे। देखिए फ्रेंड्स, दो फंदे बनाने के बाद अब यहाँ से हमारा रिपीट पैटर्न स्टार्ट होगा। सिलाई पर धागा लपेटेंगे इस तरह से और बैक लूप से पीछे की तरफ से देखिए सिलाई डालते हुए दो फंदों का एक फंदा करेंगे इस तरह से। अब हमने यही रिपीट करना है, दो फंदों का पैटर्न। सिलाई पर धागा लपेटना है, जाली डालनी है इस तरह से। अब दो फंदे में सिलाई डालते हुए बैक लूप से हम दो फंदों का एक फंदा करेंगे। सिलाई पर धागा लपेटेंगे, जाली डालेंगे और इस तरह सिलाई डालते हुए पीछे की तरफ से यानी कि बैक लूप से दो फंदों का एक फंदा करेंगे। सिलाई पर धागा लपेटेंगे, जाली डालेंगे और दो फंदों का एक फंदा करेंगे इस तरह से। सिलाई पर धागा लपेटेंगे, जाली डालेंगे और इस तरह सिलाई डालते हुए पीछे की तरफ से बैक लूप से दो फंदों का एक फंदा करेंगे। लास्ट में एक फंदा सीधा बनाएंगे स्टिच का। तो देखिए फ्रेंड्स, हमारी थर्ड रॉ कम्प्लीट हुई। फ्रेंड्स, अब हम बनाएंगे फोर्थ रॉ रॉन्ग साइड से। पहला फंदा स्लिप करेंगे और बाकी के सारे फंदों को उल्टा बुनते हुए हम इस फोर्थ रॉ को कंप्लीट करेंगे। जाली वाला फंदा हम इस तरह से उल्टा बनाएंगे। फ्रेंड्स, अब हम बनाएंगे फिफ्थ रॉ पांचवी सिलाई राइट साइड से। तो पहला फंदा स्लिप करेंगे और बाकी के सारे फंदों को सीधा बुनते हुए हम इस पाँचवीं सिलाई को कम्प्लीट करेंगे फिफ्थ रॉ को। फ्रेंड्स, हमारी फिफ्थ रॉ कम्प्लीट हुई। फ्रेंड्स, अब हम बनाएंगे सिक्स रॉ रॉन्ग साइड से। पहला फंदा स्लिप करेंगे और बाकी के सारे फंदों को उल्टा बुनते हुए हम सिक्स रॉ को कंप्लीट करेंगे। फ्रेंड्स, अब हम बनाएंगे सेवन रॉ राइट साइड से। देखिए पहला फंदा स्लिप करेंगे
और हम बाकी के सारे फंदों को सीधा बुनते हुए अपनी 7th रो को कंप्लीट करेंगे। फ्रेंड्स हमारी 7th रो कंप्लीट हुई। फ्रेंड्स अब हम बनाएंगे 8th रो, 8वीं सिलाई रॉन्ग साइड से पहला फंदा स्लिप करेंगे और बाकी के सारे फंदों को उल्टा बुनते हुए हम इस 8वीं सिलाई को कंप्लीट करेंगे। फ्रेंड्स अब हम बनाएंगे 9th रो, 9वीं सिलाई राइट साइड से। देखिए मैं कैसे करना है, पहला फंदा स्लिप करेंगे, 5 फंदे सीधे बनाएंगे, 1, 2, 3, 4, 5 5 फंदे सीधे बनाए। अब यहाँ से हमारा रिपीट पैटर्न स्टार्ट होगा। देखिए आपको ये जो फंदा दिख रहा है इसके नीचे, देखिए ये फंदा दिख रहा है, इससे सभी फंदों के नीचे देखिए यहाँ पर हम यहाँ से सिलाई इस तरह से करेंगे ऐसे, और जो ये वाला फंदा है इससे हम इस वाली सिलाई पर ले लेंगे। देखिए बिल्कुल इस तरह से ऐसे सिलाई पर लिया, अब हम इसे वापस से ऐसे लाएंगे। ये देखिए बिल्कुल इस तरह से लेकर आए। अब हमने ये वाला फंदा वापस से लेफ्ट वाली सिलाई पर लेना है और अब इसे सीधा बना लेंगे बिल्कुल इस तरह से। देखिएगा ध्यान से ऐसे, और अब देखिए हमने 9 फंदे सीधे बनाने हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 फंदे सीधे बनाए। अब देखिए फ्रेंड्स स्टार्टिंग के 6 फंदों को छोड़ के हमने यहाँ से यहाँ तक का पैटर्न रिपीट करना है। सारे फंदों के नीचे से सिलाई इस तरफ लाएंगे, एक फंदा सिलाई पर लेंगे, वापस आगे लाकर उसको हम सीधा बुनेंगे, 9 फंदे सीधे बनाएंगे, यही हमने रिपीट करना है। अब देखिए ये जो फंदा है यहाँ पर हम फिर से इस तरह से इसके नीचे यहाँ पर सिलाई इस तरह से डालेंगे ऐसे, और ये वाला फंदा हम सिलाई पर ले लेंगे इस तरह से, और इसे इस तरह से आगे की तरफ लाएंगे। अब लेफ्ट वाली सिलाई पर फंदे को वापस लेंगे और इसे सीधा बना लेंगे। अब 9 फंदे सीधे बनाएंगे, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 9 फंदे सीधे बनाए। अब फिर से हमें यही करना है, देखिए इस फंदे के नीचे यहाँ पर सिलाई डालेंगे इस तरह से, और ये वाला फंदा वापस सिलाई पर लेंगे ऐसे, इसको आगे की तरफ लाएंगे, फंदा वापस से लेफ्ट वाली सिलाई पर लेंगे, इसे सीधा बुन लेंगे। अब देखिए लास्ट में हमारे पास 6 फंदे बचे हैं, सीधा बना लेंगे 6 फंदों को, 1, 2, 3, 4, 5, 6 देखिए फ्रेंड्स हमारी 9th रो कंप्लीट हुई इस तरह से, 9वीं सिलाई। फ्रेंड्स अब हम बनाएंगे 10th रो, 10वीं सिलाई रॉन्ग साइड से पहला फंदा स्लिप करेंगे और बाकी के सारे फंदों को उल्टा बुनते हुए हम इस 10th रो को कंप्लीट करेंगे। देखिए फ्रेंड्स हमारी 10 सिलाइयाँ कंप्लीट हो चुकी हैं और इसी के साथ हमारा पैटर्न ओवर हो जाता है। फ्रेंड्स आप इस बॉर्डर डिज़ाइन को लेडीज़ स्वेटर, लेडीज़ कार्डिगन, गर्ल्स टॉप, श्रग, स्टॉल में बना सकते हैं, स्टॉल में। तो फ्रेंड्स उम्मीद करती हूँ कि आपको जो पसंद आया होगा उसे लाइक करें, शेयर करें, चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन को प्रेस करें ताकि आपको हमारी लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके। हम फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में एक नए डिज़ाइन के साथ, तब तक के लिए बाय।